देख रहे हैं एसकेके न्यूज। एसकेके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अंजलि। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ एसकेके न्यूज पर देखें नवादा जिला की खबरें। नवादा जनगण मन यात्रा के दौरान नवादा के आईटीआई मैदान में जनसभा को किया संबोधित। आईटीसी मजदूरों को एकजुट रहने की दी नसीहत। सीएए एनपीआर और एनआरसी जैसे गलत कानून को लाकर मोदी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है। यह सरकार हिंदू मुस्लिम को गुमराह कर देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। उक्त बातें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भाकपा नेता और कन्हैया कुमार शनिवार को जंगनमन यात्रा के दौरान नवादा के आईटीआई प्रांगण में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सीएए एनआरसी और एनपीआर के विरोध में आयोजित जनसभा को संबोधित करते कन्हैया ने कहा कि इस लोकतांत्रिक देश में जहां लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वहां आज जब इस कानून का विरोध हो रहा है तो मोदी सरकार देश की जनता को गुमराह कर धर्म के नाम पर लड़वा रही है। नवादा से पत्रकार अरविंद कुमार की रिपोर्ट। सैकड़ों सालों से साथ में रहते आए हैं, 2019 में 2014 में ऐसा क्या हो गया देश में कि सब कुछ छोड़ करके सिर्फ हिंदू मुसलमान का चर्चा हो रहा है। घोड़ा देखें टमटम चढ़े हैं तो घोड़वा को क्या किया जाता है ना, एगो पट्टा लगा देते हैं दोनों बगल से। जानते हैं क्यों? कि घोड़वा पीछे नहीं देखे, घोड़वा आगे आगे चले, घोड़वा दाया ना घोड़वा बाया नहीं देखे। तो उसी तरीके से जैसे घोड़ा को दुग पट्टी लगा देते हैं आंख में, हम लोगों के आंख में भी दुग पट्टी लगा दिया गया है। हिंदू हुआ मुसलमान घोड़ा थोड़ी है जी, घोड़ा है क्या? इंसान है ना, इंसान है तो दिमाग भी है ना। दिल दे दिए हैं मोदी जी को, हमको पता है तो दिल ही दिए हैं ना। है ये कहावत है, दिल आया गधी पर तो परी का क्या कहना। दिमाग है, दिमाग से सोच करके देखिए कि जब खेत में मर रहा हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, इसीलिए आके टीवी में होता है दिन रात हिंदू और मुसलमान। ये बात आप समझ लीजिए कि एक एक करके इस देश में लोगों के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, एक एक करके जो सरकारी संस्थान है वो बेचे जा रहे हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि गृह मंत्री ने देश को एनआरसी में उलझाया है ताकि वित्त मंत्री एलआईसी को बेच सके। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसी सरकार है भाई। कौन ऐसा माए बाप होता है बताइए कि अपना बाल बच्चा को दुर्गा जी में फुल पेंट नहीं दे और पड़ोसी के बेटा को जो है जैकेट खरीद के ला दे लुधियाना से। ऐसा कौन माए बाप होता है? ये कौन सी सरकार है भाई जिसको